हेलो, आप हेलो, कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आप बताओ। अच्छा, कुछ नहीं कर रही। एक बात बोलूं, बोलो गुस्सा तो नहीं करोगे? तो। क्या कुछ ऐसा गुस्सा करने वाला किया है? क्या नहीं, पहले बोलो, गुस्सा तो नहीं करोगे? गुस्सा करने वाली बात हुई तो बिल्कुल करूंगी। बताओ किससे क्या किया? बताओ तब रहने दो। ना, टेंशन हो गई मुझे। आप तो पहले बोलो कि हाँ, गुस्सा नहीं करूंगी। हाँ गुस्सा नहीं करूंगी। वो मैं ना थोड़ा बाहर गया था, मम्मी ने कुछ मंगाया था सामान, तो फिर यहाँ पे मिल नहीं रहा था, तो थोड़ा दूर गया था बाइक लेके। तो ना मेरी कोई गलती नहीं थी उसमें, पहले बता दूं। मैं तो हाँ तो जल्दी बताओ ना। बाइक से एक्सीडेंट हो गया, हाथ में लग गई है। हाँ, बाइक से एक्सीडेंट हो गया, हाथ में लग गई है। कैसे कैसे एक्सीडेंट हो गया? ज्यादा चोट लगी क्या? हाथ में तो हल्की सी है, मतलब मूवमेंट भी हो रही है, इतना दर्द नहीं है, बस ट्रेसिंग हो रही है। मतलब ड्रेसिंग हो रही है और हल्की सी चोट है। वाह, मतलब नहीं, हाथ में ज्यादा नहीं है, मतलब मोबाइल भी कवर कर सकता हूँ, हाथ में इतनी चोट नहीं है। हाथ में चोट लगी तो मोबाइल चला रहे हो? दूसरे हाथ से पकड़ा हूँ। और मेरी बात सुन लो ना, तो बताओ। हाथ में तो इतना इशू नहीं है, ठीक हो जाएगा वो, बट प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज बाइक चलाते हैं तो तुम्हें पता है पूरा लोड, मतलब बाइक गिरती है तो पैर भी जाता है, तो पैर में हाँ फ्रैक्चर आ फिर गया। डॉक्टर ने कहा 1-2 महीने के लिए रेस्ट। है फ्रैक्चर? पागल हो क्या? मतलब इतनी स्पीड से बाइक चलाने की जरूरत थी? मेरी कोई गलती नहीं थी। अरे बाइक मेरी कोई मतलब गलती तुम स्पीड से बाइक चला रहे थे और उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी? तो मैंने ऐसा बोला कि मैं स्पीड में बाइक चला रहा था तब एक्सीडेंट हुआ? मैंने ऐसा कुछ बोला? स्पीड से चला रहे हो तभी तो एक्सीडेंट हुआ। मतलब अपना ध्यान रखना ही नहीं किसी को। बोलो। मेरे को बोलने दो। कार वाली गलती थी, वो सामने से आ रहा था, एक तो गलत साइड से आ रहा था, ऊपर से स्पीड में भी आ रहा था, तो उसमें ठुकी है, ना कि मेरी गलती हो। मेरी बाइक भी स्लो थी और ईयरफोन भी सिर्फ एक ही कान में लगी थी मेरे। ज्यादा चोट लगी बोल तो रहा हूँ, हाथ में हल्की लगी और चेहरे पे ना के बराबर, बस पैर में चेहरे फ्रैक्चर पे हो, भी लगी है? ना के बराबर वो सही जाएगी, बस पैर में वो जो फ्रैक्चर है ना, तो वो डॉक्टर ने बोला है कि 1-2 महीने डॉक्टर को, का, अच्छे डॉक्टर को दिखाया, अच्छे डॉक्टर दिखाया, उसने कहा 1-2 महीने का बेड रेस्ट होगा तो ठीक हो जाएंगे, और दवाई बाकी खाई? हाँ दवाइयाँ लिख के दी हैं। इतनी महंगी दवाइयाँ आएंगी तो खाऊंगा नहीं। अभी भी पैसे की पड़ रही है कि इतनी महंगी दवाई? मतलब अपने शरीर का ध्यान नहीं कार वाला रखना। ऐसा दुष्ट था, उसने पैसे तक नहीं दिए खर्चे के लिए। उस टाइम मैं तो ऐसी गंभीर हालत में था, दही उड़ पड़ी थी, उन लड़ के पैसे लेता मैं उससे। अभी चोट लगी है उसमें पैसों को देख रहे हो कि पैसे ले लेता मैं? मतलब अपना ध्यान नहीं रखना। मतलब पैसों में इतनी वो है तुम्हें? नहीं रख रहा हूँ, बट अब चोट लग गई तो अब क्या कर सकते हैं, अब 1-2 महीने तक पड़े रहो बेड पे। सॉरी, ध्यान रखा करो यार अपना। तो सॉरी क्या होता है? मेरी क्या गलती? उस कार वाले को कोसो ना, उसको बोलो वो तो है ही, मतलब बोलना नहीं चाहती अब जो भी है। मेरी क्या ध्यान गलती। रखना अब, ठीक है ना? हाँ, जल्दी से आना फ्लाइट में। अब एक मिनट, क्या ध्यान रखना, ध्यान से आना फ्लाइट में पैर संभाल के। हाँ रिया? जस्ट वेट, मैंने बोली है पैर में चोट लग गई है, फ्रैक्चर है, डॉक्टर ने 1-2 महीने के लिए बेड रेस्ट बताया, बेड रेस्ट, मतलब तो कुछ तुम्हें समझ मैं रहे हो? चलने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं तुम्हें कुछ। तो व्हाट यू मीन कि मतलब मैं फ्लाइट में वहां पे वगैरह कैसे आऊंगा जब बेड रेस्ट बताया डॉक्टर ने? उधर से ओला बुक करना, फ्लाइट में बैठना, यहाँ से मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? आ सकते हो तुम आराम से। रिया तुझे पता है तू बोल क्या रही है? अरे बोल क्या रही है? मतलब जिंदा ही हो, मरे नहीं हो, फ्रैक्चर हुआ है छोटा सा। इधर मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया, तू वर्डिंग क्या यूज कर रही है? जिंदा हो मरे नहीं छोटा हो, सा फ्रैक्चर हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वर्डिंग क्या यूज कर रही है तू? जिंदा हो मरे नहीं हो, सॉरी, आप लोग गुस्से वर्डिंग में तो, निकल गया वर्डिंग ना। लैंग्वेज तो सॉरी अपनी ना, वर्डिंग लैंग्वेज तो देख यार, तो गुस्से में जिंदा हो मुझसे मरे निकल नहीं गया। हो। सॉरी, वो फ्रैक्चर है, ऐसे फ्रैक्चर में कैसे आ जाऊंगा वहां पे बताइए जरा। नॉर्मल से फ्रैक्चर है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने देखा है नॉर्मल सा तो मैं फ्रैक्चर है कि पिक बड़ा करने आ फ्रैक्चर है? जाऊंगी ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। कहाँ से पिक करने आएगी? यूपी पिक करने आएगी मुझे? और पहली वहां बात से जो ओला बुक फ्रैक्चर, कर सकते हो तुम अपने घर से। रिया फ्रैक्चर है, मैं कार में, व्हाट यू मीन तू डैमेड है क्या? 2 महीने बाद या 1 महीने बाद मिल लूंगा तेरे दोस्तों से यार, अब मुझे मिलने के ऊपर कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए, ठीक है ना? पहले ही बोल रहा हूँ चुका है मिलने के ऊपर। तो मैं, तूने कसम दी थी, मैंने तेरी कसम मान ली, मैंने बोल दिया था ना मैं आ जाऊंगा, मैंने मना तो नहीं की थी। अब मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। बस मुझे बहुत आर्गुमेंट हो गया, 3-4 बार लड़ाई हो चुकी है। अब मैं नहीं चाहती कि लड़ाई हो, चुपचाप से आ जाना बस। रिया अपनी कसम वापस ले ले, और यार
तू यार कि मिल बिल्कुल ही तू तुम पागल पागल हो ही गई। हो, मैं पागल हो गया हूँ, सही बात है, मैं पागल हो गया हूँ यार, तुम पागल मतलब हो गए, सही बात हाँ है। सही बात है। तो यार इधर देखो, ये मेरा फ्रैक्चर नहीं दिख रहा, तेरे ऊपर ये दिख रहा है कि उमंग आना है बस। मैंने अपने फ्रेंड से बोल दिया वापस से, मैंने बोल दिया अरे कि तेरे मैं दो फ्रेंड दिन बाद बाहर हो गए आएगा, यार, तेरे फ्रेंड यार, फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड। तमीज से बोलो पहले तो, ठीक है ना? अच्छा तुम मेरे बारे में तुम वर्डिंग लैंग्वेज यूज क्या यूज कर रहे हो, तुम मेरे बारे में वर्डिंग यूज कर रही हो, गलत गलत वो कुछ नहीं है। मतलब तुम मेरे बारे में कुछ भी वर्ड बोलो मैं सब सुन लूँ, मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे फ्रेंड के बारे में बोल रहा है। तो क्यों बोला? मैंने अपनी ओके जवान दे दी उन्हें कि वो ओके तुम आओगे तो तुम आओगे, भले कोई जीए मरे उससे मतलब नहीं है, मतलब मुझे फिर उससे अपनी मतलब नहीं है। तुझे सिर्फ ये है कि जो मैंने बोल दिया वो चीज होनी चाहिए, कोई हाँ जीए जो मरे आई मैंने डोंट बोल केयर। दिया वो होना चाहिए तो होना चाहिए, मुझे अपनी जान से ज्यादा अपनी जवान की परवाह है, जो मैंने बोल दिया तो होगा तो होगा, और तुम आओगे तो आओगे। मैं नहीं आ रहा, मैं गुलाम नहीं हूँ किसी का, रिलेशन मैंने में गुलाम आया हूँ, वाली बात भी नहीं करी, ठीक है ना? रिलेशन में आया हूँ, गुलामी नहीं की मैंने तेरी, कि कोई प्रॉब्लम पैर नहीं में होगी तुम्हें आने फैक्ट्री। में कि ओला में ही आना है, तो मैं यहाँ से मैं पिक कर लूंगी, यहाँ पे तुम्हारी देखभाल मैं कर लूंगी, तुम्हारी दवाइयाँ मैं खिला दूंगी तुम्हें, और कुछ चाहिए तुम्हें? मैं वहां पर आऊंगा भी ना, तो एक दिन के लिए आऊंगा जस्ट। सबसे पहले ये बात है कि अभी डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता रिया, तू यार प्लीज एक मिनट ठंडे दिमाग से बात सोच कि तू बोल क्या रही है। एक मिनट पहले रिलैक्स हो, या पानी पी ले, रिलैक्स हो जाए एक मिनट, बताओ बताओ, फिर मेरी एक बार बात सुन लेगी तू बोल क्या रही है। एक्चुअली पैर में फ्रैक्चर आया, तो इतना तो सोच के यार, एक बंदा कैसे आ जाएगा यार, कैसे मतलब अरे तो ओला बुक तुम्हें कर कोई लेना। प्रॉब्लम थोड़ी है आने में, मैं तुम्हें पिक कर लूंगी। अच्छा ठीक है वहां पे पिक कर लेगी, फिर वहां पे भाई पैर में फ्रैक्चर है यार, वहां पे कैसे मैं चलूंगा, मतलब ये तू बात क्यों, तू यार प्रैक्टिकल क्यों नहीं समझ रही, ये इम्पॉसिबल है। मतलब तू यार क्या मतलब बच्चों से बात कर रही है, दोस्तों से कोई बोल चीज दिया तो इम्पॉसिबल नहीं होती, ठीक है ना? यार। एक काम हर कर चीज पॉसिबल होती है। तू, एक काम कर, मुझे तेरे कुछ नहीं कहना, तू अपने दोस्तों बात करा दू, उनको मैं बात कर लूंगा, मैं बोल दूंगा वो समझ जाएंगे। मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे मेरी जान से ज्यादा मेरी जवान की परवाह, मैंने बोल दिया तुम आओगे तो आओगे, ये समझ में आ क्या रही है ये साइको बात? बनाया तेरा, जो भी समझो तुम, प्यार अपनी जगह पे, केयर अपनी जगह पे, ये सब चीजें अपनी जगह पे, ठीक है ना? प्यार भी मैं तुमसे बहुत करती हूँ, केयर भी तुम्हारी उतनी ही करती हूँ, पर ये कोई मेलो ड्रामा नहीं है कि मैं नहीं आऊंगा, मतलब इतने दिन से ड्रामा चल रहा है, आऊंगा नहीं आऊंगा, आऊंगा नहीं आऊंगा, एटलीस्ट लास्ट में माने भी सही है, फिर लास्ट में तुमने फिर ड्रामा कर दिया, मुझे लगा तुम्हें जानबूझ के किया हुआ ये सब ना आने के चक्कर में। रिया तू सोच समझ के बोल, के क्या कह रही है, कोई बंदा अपना जानबूझ के एक्सटेंड कराएगा सिर्फ तुझसे ना मिलने के लिए, रियली हो सकता है तुम्हारे पास तुम्हारी प्रॉब्लम थी, तुम अपनी प्रॉब्लम छोड़ के मेरी कसम मान के तुम्हारे, फिर तुमने सोचा क्या बहाना ढूंढू, तो तुमने यही कर दिया होगा फिर, और मुझे क्या पता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ भी है कि नहीं। हाँ बहुत बढ़िया है यार। एक काम कर, वीडियो कॉल नाम की चीज बन चुकी है, वीडियो कॉल करके देख ले, ठीक है ना, भरोसा नहीं है तो। और दूसरी बात रियत, बात समझ यार, पैर में फ्रैक्चर है, मैं कैसे आऊंगा यार, बात समझ, तू फालतू की बातें कर रही है, इतना तो सोच यार, पैर में फ्रैक्चर है तो कैसे बंदा आ पाएगा। वो मुझे मतलब नहीं है कैसे आओगे तुम, मैंने सोल्यूशन दे दिया कि तुम कैसे आओगे, अब वो तुम्हारी हेडेक है, समझ में आ रही है बात? नहीं, हेलो, मेरे को सही में कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में आएगा भी नहीं तुम्हें, ठीक है ना? ये तू एक बार फिर से सोच ले, तू बोल क्या रही है यार, इतना मैंने साइकोपना यार प्यार में ठीक नहीं होता। ठीक है यार तूने अपने दोस्तों बोल दी, फिर वो मने में से मिलने का मैं समझता हूँ, पर इतना साइकोपना प्यार में ठीक नहीं होता यार, तुमसे इतना हद बहुत का प्यार करती साइको। हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुमसे बहुत से ज्यादा प्यार ये करती सब हूँ, ये पर मुझे कौन ये सा चीज प्यार है, बिल्कुल, मुझे ये चीज बिल्कुल मंजूर नहीं है कि मैंने जो कह दिया वो ना हो, मैंने जो कह दिया वो होना ठीक है ही तू कह रही चाहिए, है वो ना, एक किसी भी मिनट जस्ट हालत वेट, में। मुंह बंद कर, हमने तूने कही है ना, ठीक है अपने दोस्तों ने जुबान दे दी ना, हाँ अगर मेरे यहाँ पे पैर में प्रॉब्लम हो रही है, मैं वहां पे चल गया रहा हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, वो पेन हो रहा है, उससे ज्यादा तेरा ये है कि दोस्तों ने मिलना है, बिकॉज मैंने कह दिया मेरी मुझे इंसल्ट ना उसकी हो। भी कह रही कि तुम्हारे पैर में दर्द होगा, तुम्हारे दर्द पैर में तकलीफ है, वो भी मैंने उसका भी सोल्यूशन बता दिया कि मैं तुम्हें लेने आ सकती हूँ, पर मुझे ये मंजूर नहीं है कि तुम नहीं आओ, तुम्हें आना है चाहे आना है। हाँ तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि मेरे पैर में तकलीफ होगी, मैं यहाँ से कैसे जाऊंगा, घर पे क्या बोलूंगा, घर वालों से कैसे परमिशन लूंगा, वो सब सारी घर प्रॉब्लम पे है। तुम यहाँ पे आने के लिए कोई भी बहाना बना सकते हो, ठीक है ना? अच्छा हाँ ये घर वाला तो वो मत दो मुझे, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि मैं जितनी प्रॉब्लम फेस करूँ उससे मतलब नहीं है, मतलब बस ये है कि उमंग को तकलीफ हो, वो घर पे क्या बोले क्या नहीं बोले, वो कैसे भी है, बट ये है कि मेरी मतलब मैंने जो बोल दिया वो होना चाहिए, मतलब जो मेरा मैंने कह दिया है, मैंने वो कह दिया वो काम होना चाहिए, बस मुझे चाहे वो तुम्हारी सामने वाला तकलीफ जिए एक मरे। सेकंड, मुझे तुम्हारी तकलीफ से भी फर्क पड़ता है, तुम्हारी सब चीज से फर्क पड़ता है, पर मुझे इस चीज से तो फिर फर्क नहीं थोड़े पड़ता टाइम कि बाद आ तुम जाऊंगा, नहीं आओ।
नहीं तुम आओगी तो अभी आओगी, बस मुझे इस बात से फर्क पड़ता है। ये थोड़ी प्रैक्टिकल सोच कि मैं वहां पे आके भी तेरे दोस्तों की कैसी हालत में मिलूंगा, कि मतलब बंदा लंगड़ा के चल रहा है फिर मैं वैसे, तू एक बार दिमाग से तो सोच कि उस टाइम तुझे अच्छा मैंने लगेगा। दिमाग दे सबसे सोच के बस मैंने उनसे कह दिया तुम अरे वहां, चाहे यहाँ कैसी ठीक भी है आ हालत जाऊंगा, में हाँ हो। ठीक है आ जाऊंगा, हाँ ठीक है आ ठीक है जाऊंगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। आ जाऊंगा, ठीक। ठीक।